आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से चाउमीन। चाउमीन बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बोनलेस चिकन 1 कप, 1 कप बंद गोभी बारीक कटी हुई, आधी शिमला मिर्च ग्रीन कलर की, आधी बारीक कटी हुई गाजर, 1 रेड चिली बारीक कटी हुई, पालक के पत्ते, 1 खाने का चम्मच कॉर्न स्टार, 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन, 2 पैकेट नूडल्स के, सोया सॉस, हनी, सिरका, सेसमी ऑयल यानी तिल का ऑयल, ऑयस्टर सॉस, चिली सॉस और कुकिंग ऑयल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल किए करेंगे। यहाँ पे मैंने चूल्हे पे पानी रखा है गर्म होने के लिए, ये उबल चुका है देखिए। अब हम इसके अंदर नूडल डाल देंगे और 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो हमारे नूडल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं हमारे नूडल्स को बॉयल होते हुए। अब हम इसको पानी में से निकाल लेते हैं और छान लेंगे ठंडे पानी से। अब हम चिकन के अंदर कॉर्न स्टार्च, ब्लैक पेपर और सॉल्ट ये डाल देंगे, 1 खाने का चम्मच ऑयस्टर सॉस और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस ये डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको साइड पे रखते हैं और एक सॉस बनाएंगे हम। 1 खाने का चम्मच हम सोया सॉस लेंगे, 1 खाने का चम्मच ऑयस्टर सॉस, 1 खाने का चम्मच हम सिरका लेंगे, 1 चाय का चम्मच हम हनी यानी शहद लेंगे, 1/2 चाय का चम्मच हम चिली सॉस इसका लेंगे और सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा इसको हम गर्म होने रख लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे, साथ ही हम इसमें लहसुन चॉप ये डाल देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। 3 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को पकते हुए, चेक करते हैं, देखिए ये अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसके अंदर वेजिटेबल डाल देंगे और फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट, ज़्यादा हम अपने वेजिटेबल को नहीं पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमारी वेजिटेबल को भी पकते हुए। अब हम इसके अंदर नूडल्स डाल देंगे और जो हमने सॉस बनाया था ये भी डाल देंगे। अब हम ऊपर से हम थोड़ा सा सेसमी ऑयल ये डालेंगे, तकरीबन 1/2 चाय का चम्मच, फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार चाउमीन हमारे रेडी हैं। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आपको, कमेंट्स करें, लाइक करें वीडियो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। चलती हूँ, दोबारा हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।